हेलो एवरीवन, सो वेरी वार्म वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। माई सेल्फ पिंकेश कुमार एंड आई एम अ केमिस्ट्री फैकल्टी एट मोशन इंस्टीट्यूट मुजफ्फरपुर। सो बच्चों, आज हम लोग एक ट्रिक देखने वाले हैं। बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के GOC पार्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट होता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। माइनस एम इफेक्ट होता है, प्लस एम इफेक्ट होता है। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है कि सर कब कौन सा ग्रुप प्लस एम शो करेगा और कौन सा ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो करता है, है ना। तो इसमें हमें इशू आ जाता है, हम जान नहीं पाते हैं कि जो गिवन ग्रुप दिया हुआ है वो प्लस एम शो करेगा या माइनस एम शो करेगा। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको मैं बताऊंगा अभी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ चीज़ें जो हैं आपको काफ़ी अच्छे से याद होती है OH के बारे में, तो OH के बारे में जो है आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हो कि हमें पता है कि ये क्या इफेक्ट शो करता है, प्लस एम शो करता है, राइट। यहीं पे अगर हम दूसरा ग्रुप्स की बात करें, नाइट्रोबेंजीन अगर आप लेते हो तो यहाँ पे हमें ये भी पता है NO2 माइनस एम इफेक्ट शो करता है। बट जब अदर ग्रुप्स आता है जिसमें हमारी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि जो प्लस एम इफेक्ट ग्रुप शो करता है ना, जो भी ग्रुप्स प्लस एम इफेक्ट शो करेगा दैट ग्रुप विल हैव लोन पेयर, है ना। उस ग्रुप के ऊपर क्या होगा, लोन पेयर। और उस ग्रुप के कौन से एटम पे लोन पेयर होगा, जो डायरेक्टली इस बेंजीन रिंग के कार्बन से कनेक्टेड है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर आप देखो OH, तो OH में क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है जो कि डायरेक्टली अटैच है किससे, कार्बन ऑफ बेंजीन। दूसरी एग्जांपल से हम इसको और समझ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर आप NH2 लेते हो, एनिलीन, है ना। तो यहां पर भी आप इन चीज को अप्लाई कर सकते हो कि अगर जो डायरेक्टली कनेक्टेड एटम है इसके ऊपर क्या है, एक लोन पेयर है, इट मींस इट विल शो प्लस एम इफेक्ट, है ना। या कोई और ग्रुप्स ले लो आप, जो भी आप चाह रहे हो, CH2 निगेटिव ले लो आप, तो निगेटिव, तो ये क्या है, प्लस एम इफेक्ट शो करता है। बेसिक जनरली ये इनको हम याद रखते हैं, जो ऑर्डर आपका लिखवाया जाता है, जो आप ऑर्डर याद करते हो उसमें ये बताया जाता है क्या, प्लस एम इफेक्ट शो करता है। बट क्या है कि हमें हमेशा हर ग्रुप के बारे में पता नहीं होता है, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जानना है कि क्या जिसमें इससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड एटम है, इस बेंजीन रिंग के कार्बन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड एटम है, क्या उसके पास लोन पेयर है या नहीं। तो देखेंगे यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस में, इन सभी एग्जांपल्स में देखो क्या है, कार्बन के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इधर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। तो इस तरीके से हम जान पाएंगे कि कौन सा ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम माइनस एम इफेक्ट की। तो माइनस एम इफेक्ट इसमें भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जो आप याद करके रखते हो, है ना। हम क्या करते हैं, जनरली हम रट लेते हैं कि यहाँ ये सब ग्रुप जो है माइनस एम इफेक्ट शो करता है और ये ग्रुप जो है प्लस एम इफेक्ट शो करता है। बट हम इसको अभी ट्रिक से आपको समझाएंगे कि कैसे इसको करना है। जैसे नाइट्रोबेंजीन की अगर हम बात करें, नाइट्रोबेंजीन की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो ये ग्रुप आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये माइनस एम इफेक्ट शो करता है, ये ग्रुप आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये माइनस एम इफेक्ट शो करता है। बट कई सारे ऐसे आ जाएंगे ग्रुप्स जहां पे हम क्लियरली नहीं समझ पाएंगे कि ये माइनस एम शो करेगा या प्लस एम। तो अभी क्या करना है आपको, इसमें ट्रिक ये है कि जो एटम कार्बन से, बेंजीन रिंग के जो कार्बन से कनेक्टेड है डायरेक्टली, उस एटम के साथ इससे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्डेड है। तो ये चीज हमें देखना है कि जो एटम बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है, क्या वो एटम उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ डबल बॉन्डेड है या नहीं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेंगे हम, आप
सी एच ओ बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखो कि अगर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है तो हमें क्या चेक करना है कि जो एटम जो ग्रुप्स लगे हैं इसके एटम जो डायरेक्टली कनेक्टेड है बेंजीन रिंग के कार्बन से, क्या ये एटम डबल बॉन्डेड है या नहीं विथ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मीन्स अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ क्या है डबली बॉन्डेड है या नहीं। अगर डबल बॉन्डेड होगा तो आप इजिली कह पाओगे कि हाँ ये जो ग्रुप्स दिया हुआ है ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, ये जो ग्रुप दिया हुआ है ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। ओके सो हम इस तरीके से माइनस एम इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट इजिली बता सकते हैं जो गिवेन होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें प्रॉब्लम नहीं आएंगे, इस तरीके से आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो कि गिवेन ग्रुप जो है प्लस एम शो करेगा या माइनस एम। ओके सो दैट्स इट, सो थैंक यू सो मच।